दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है, आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर वन बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है, हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम, देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर वन। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट, हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। पटना में मोदी की हुंकार रैली के बाद नीतीश का कुनबा फिलहाल हिलता दिखता है। राजगीर में आज जेडीयू के चिंतन शिविर में जिस तरह से बातें हुई, और इसमें पार्टी के आला नेताओं को आगामी रणनीति पर माथापच्ची करनी थी और बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन शिवानंद तिवारी ने दीपावली से पहले मोदी को लेकर सियासी धमाका कर दिया, जिससे नीतीश के चिंतन शिविर की चिंता अभी फिलहाल के लिए तो बढ़ गई।
लगता ऐसा है कि भगवान ने हमको मनुष्य की सेवा के लिए, समाज की सफाई के लिए पैदा किया है और इससे उनके उनको आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये भाषण दिया किसने? भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने। कौन नरेंद्र मोदी? जो पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसने चाय बेचा, जिसने गरीबी देखी, वो आदमी समर्थन कर रहा है। सर पर जो महिला ढोने वाले लोग हैं उस... क्या कह रहे हैं? नहीं सुन पा रहा है। बिहार में मोदी की रैली का असर अब जेडीयू पर भी दिखाई देने लगा है। शायद यही वजह है कि मोदी के नाम पर जेडीयू दो हिस्सों में बट गई है। मंगलवार को मौका था जेडीयू के चिंतन शिविर का, लेकिन पार्टी नेता शिवानंद तिवारी बातों बातों में ही सही मोदी की तारीफ कर बैठे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कड़े संघर्ष के बाद मोदी इस मुकाम तक पहुँचे हैं और मैं उनका प्रशंसक हूँ। कोई ये हिम्मत करके नहीं कह सकता है कि मैला ढोना सही काम है। वहाँ एक आदमी नहीं एक नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सर पर जो मैला ढोने वाले लोग हैं वो इस मजबूरी में मैला ढो रहे हैं कि उनको रोटी के लिए, रोजगार के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। उनका क्या कहना था? उनका कहना यह था, ये मैला ढोने वाले लोग जो हैं, इनको लगता ऐसा है कि भगवान ने हमको मनुष्य की सेवा के लिए, समाज की सफाई के लिए पैदा किया है और इससे उनके उनको आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये भाषण दिया किसने? भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने। कौन नरेंद्र मोदी? जो पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसने चाय बेचा, जिसने गरीबी देखी, वो आदमी समर्थन कर रहा है। सर पर जो महिला ढोने वाले लोग हैं मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले शिवानंद तिवारी शायद भूल बैठे थे कि वो किसकी तारीफ कर रहे हैं। शिवानंद ने जैसे ही मोदी की तारीफ की, उनके खिलाफ विरोधी सुर तेज हो गए। मैं जानता हूँ इस पार्टी में मेरी जो स्थिति है, उस स्थिति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चिंतन शिविर में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। अच्छा माली वही होता है कि उसके बागीचे में सभी तरह का फूल खिले। नरेंद्र मोदी के बागीचे में सिर्फ कमल खिलता है। पूरे इंडिया इस बात के शाहिद है और गवाह है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत जिस तरह है वो सब हम जानते हैं। वो उनके अपने विचार हो सकते हैं। पार्टी के कोई ऐसे विचार नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी को भले ही बुरा भला कहे, लेकिन जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने खुले मंच से खुद को मोदी का मुरीद कह दिया। शिवानंद तिवारी ने जैसे ही मोदी की तारीफ की, तुरंत ही बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का न्योता भी आ गया। इस मामले पर जेडीयू अपनी अलग ही दलील दे रही है। ये उनकी अपनी डिक्शनरी का होगा, उनके अपने कहने का अंदाज हो सकता है। नरेंद्र मोदी भाजपा के बने हुए घर में घुसे और अपने जिस्मों को, अपने चेहरों को संवारा और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कि ऐसे शख्स को एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करता है पैसे के बलबूते पर। कुछ दिन पहले तक, एक हफ्ता पहले तक, शिवानंद तिवारी जी जिन जिन बातों को कहते रहे हैं लगातार, मैं समझता हूं उसकी क्लिपिंग आपके पास भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बड़े अनुभवी लीडर हैं, हम लोगों के लिए हम उनके सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात यह भी सच है कि बहुत देर तक एक पायदान पे नहीं रहते। अभी तक जो उनकी राजनीतिक इतिहास यही कहती है। राजगीर में आयोजित चिंतन शिविर में नीतीश कुमार ने मोदी की जमकर बखिया उधेड़ी, लेकिन उनकी पार्टी के कद्दावर नेता ने जमकर मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। ऐसे में साफ है कि मोदी के नाम पर पार्टी में दो फाड़ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी शिवानंद तिवारी पर कड़ी कार्रवाई करती है या फिर उनके बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल वन न्यूज़।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार वो भी है। मीम अफजल साहब कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे और सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अरुण कुमार जी के पास में जाऊंगा। अरुण कुमार जी, ये स्थिति कैसे खड़ी हो गई है, जरा समझा दीजिए क्या हुआ है। देखिए, आप लोग आधी अधूरी बात करते हैं जी। शिवानंद तिवारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं जी, और शुरू से ही मोदी के सबसे बड़े विरोधी के तौर पे वो आए हैं। आज चिंतन शिविर था, पार्टी के चिंतन शिविर में कोई भी नेता अपनी बात पूरी रख सकता है जी। ये पार्टी का प्लेटफॉर्म है। वहां मीडिया कैसे पहुंची मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे पार्टी के आयोजकों के फेल्योर है जी। कि चिंतन शिविर में जहां हर व्यक्ति या हर पार्टी का नेता अपनी बात ठीक से रखेगा जी। और शिवानंद तिवारी जी ने अपनी बात रखी। आपके तो अंदर के राज खुल गए, सब खुलकर रखे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपनी बात खुल के रखा है जी। और आप जितना दिखा रहे हैं वो आप आधी अधूरी बात दिखा रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर नेता हो गया है और हमें अपनी तैयारी उसकी ताकत को देख के करना होगा, उनका मुकाबला करना होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा हाँ। कि हमें भय है, भय इस बात का नहीं कि मोदी से है, उनको भय इस बात का है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके पीछे है और उनके दिल और दिमाग में पूरे रग रग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक घुसा हुआ है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पार्टी को उसके लिए मुस्तैदी से तैयार रहना चाहिए। आप लोग ये बात नहीं दिखा दे रहे हैं। पार्टी का चिंतन शिविर है, पार्टी की बैठक में पार्टी का कोई नेता अपनी बात पूरी कह सकता है। आप दिखा दें दो कौन लोग सर जो खड़े होकर के फिर शिवरंजन तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं। पार्टी में इतने लोग बैठे रहते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। मानते हैं ना कहीं एक भाव तो है। दो आदमी के बोल देने से कोई पार्टी का बड़ा बोलता है क्या? उन्होंने पूरी बात अगर हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं वो कई दिन की राजनीति कर रहे हैं लोग। तो ये आप भी मानते हैं कि जो लोग वहां बैठे हैं कई दिन, वो आपके वरिष्ठ नेता बैठे हैं? जिन्होंने बोला है हाँ। अभी जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने की राजनीति कई दिन की है? नहीं, वो शिवानंद तिवारी ने एक बात और कही है कि संसदीय राज्यसभा में संसदीय दल के नेता है और हमारी पार्टी का कोई आदमी संसद की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है तो उन्हें संसद के बुलेटिन से खबर मिलती है। मैं जानता हूं जोखिम उठाना पड़ता है और मैं माथा नहीं टेकूंगा उन लोगों के दर पे जाकर के। मैं यह कह रहा हूं, इशारा कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि वो पार्टी के अंदरूनी कोई कमी है तो उसको उन्होंने वहां रखा है। तो सीधे चिंतन शिविर में अपनी बात रखना पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पूरा, इतने बड़े स्तर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा देना कि मुझे मत्था टेकने पे मजबूर किया जा रहा, आपको नहीं लगता उनको? देखिए ऐसा है, उन्होंने खुद ने कहा ये तो शिवानंद तिवारी जी बताएंगे, लेकिन आप जहां तक कह रहे हैं हम उसकी बात कह रहे हैं कि वो पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, उन्होंने अपनी बात कही है। पार्टी में अगर कोई कमी है तो चिंतन शिविर में नहीं कहेंगे, चलिए आप इसे नहीं मानेंगे। और इस तरह से कोई गोफाड़ नहीं है और कोई उनके ऊपर अनुशासन कार्रवाई नहीं होने वाली। फिर ऐसे तो फिर नरेंद्र मोदी को लेकर भी गोफाड़ नहीं था बीजेपी में, उसको तो आप लगातार कह रहे थे कि किस तरह से आडवाणी जी कह रहे हैं परेशानी खड़ी हो गई है। आडवाणी जी ने कोई ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही है। शिवानंद तिवारी जी ने सर ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मानने को तैयार नहीं है उस बात को। मैं कह रहा हूँ कहा है, मैं कहा नहीं कहा है, तो चिंतन शिविर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं क्या इस चीज को जो वो कह रहे हैं? उन्होंने तो कितनी बातें और कही है। उन्होंने ये बात भी कही कि इससे पहले राजगीर के शिविर में उपेंद्र कुशवाहा का भाषण हुआ और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये लोग कौन है जो मेरे लिए सेट किए जा रहे हैं हर मीटिंग के अंदर शिविर के? मैं यह कह रहा हूं कि वो पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, उनको अगर पार्टी के अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है, उनको पार्टी से कुछ के बारे में उनको कुछ अफसोस है तो उन्होंने बात कही है, इसमें क्या? ठीक है, सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो पार्टी के अंदरूनी मामला कह दिया। ऐसा है, शिवानंद तिवारी जी जो है वो बाबा के नाम से मशहूर है वहां पे जी, और उनके बारे में ये कहा जाता है बिहार में कि वो हवा का रुख जो है वो जान जाते हैं, सूंघ लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसी तरफ से वो चले जाते हैं। तो जैसे ही आरजेडी का परिवर्तन उनको दिखा जेडीयू द्वारा तो वो वहां चले गए, अब उनको दिख रहा है भाजपा परिवर्तन करने वाली है तो इसीलिए उसी का वो अपने विचारों में उजागर कर रहे हैं। आपने भी न्योता दे दिया आने के लिए। परिपेक्ष में देखा आपको प्रिय है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता उसका। एक सेकेंड, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आज जेडीयू के अंदर बौखलाहट है। कोई बौखलाहट नहीं है। पटना की रैली के बाद अच्छा मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोले थे श्रीवास्तव जी तो मैं चुप रहा था, थोड़ी तहजीब रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज बहुत बौखलाहट क्या है कि जिस रैली को ये समझते थे कि फेल होने वाली है, उस रैली के बाद इनके होश फाकता हो चुके हैं। बिहार के मन में आज जो उभार आ रहा है, लोग आक्रोशित हैं, जो भाजपा के साथ जो है दगाबाजी करी गई थी जेडीयू द्वारा,
उसका जो प्रतिबिंब इस रैली में दिखा जी, उससे एक बौखलाहट हो रही है और एक चिंता हो रही है। इसी वजह से अगर जेडीयू का सारा आचरण आप देखें और जेडीयू का सारे बयानों को देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि कितनी खलबली मची हुई है। और बिहार का परिदृश्य तो बड़ा साफ हो गया है। बिहार में मोदी रम गया भाई बिहार, और बिहार में भाजपा की इस समय तूती बोल रही है। अब ये स्थिति और ये वास्तविकता को लेके इनके अंदर अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो होता रहे। अच्छा, हमें उससे मौका मिल गया है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे। इनका आंतरिक मामला ये जो करना चाहे करें, ये क्या गोवा जैसी स्थिति है? ये मित्तल साहब आप कुछ फहमी में मत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मित्तल जी, हाँ जी, क्या दोबारा बोलिए, सुनाइए। क्या ये गोवा अधिवेशन के अंदर या जिसके बाद जिस तरह से ताजपोशी आप लोगों ने की प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की, क्या वैसी स्थिति जेडीयू के अंदर आ गई? ऐसा हमारे यहां तो स्थिति क्या थी, आपने उसका प्रतिबिंब देख लिया कि पार्टी एकजुट होके खड़ी हुई है और 2014 की ओर अग्रसर है जी। स्थिति इनकी खराब हो रही है। अब देखिए क्यों नहीं खराब होगी, यही नीतीश कुमार जी 2003 में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। और सांप्रदायिकता याद है, लंबा ड्रामा चला था, आडवाणी जी नाराज हो गए थे, सब पदों से इस्तीफा दे दिया था। मेरी बात कहां आराम से, और मैं आपको बात करना चाहता हूँ, सुनिए सुनिए। उसके बाद क्या हुआ वो देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि पार्टी संगठित है या विभाजित है। जब से वो हुआ उसके बाद देखिए मनभेद और मतभेद, हाँ, इन दोनों के बीच में आपको फर्क जरूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। मीम अफजल साहब, स्थिति को आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है इसे, आपका अब एक विश्लेषण क्या होता है बतौर राजनीतिक दल जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो किसी पार्टी के लिए? पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने शिवानंद तिवारी जी के बारे में जो अभी यहाँ पर क्लिपिंग दिखाई है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ जी, चूंकि मेरे पास टीवी नहीं है, आपका चैनल उसमें नहीं है जी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि शिवानंद तिवारी जी ने एक बात और कही है जिसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया जी, बताएं। और वो सबसे बुनियाद है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं। जो आदमी इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ है, वो लोकतंत्र में उनके पर उनके बारे में कुछ कहता है, तो दोनों बातों को सामने रखेंगे तो बहुत सारी चीज समझ में आती है। और शिवानंद तिवारी जी को मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ और बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। उनके मिजाज में ये बात है कि वो राह के साथ, मतलब ये हवा के साथ चलने वाले आदमी नहीं है, जैसा कि हमारे सुधांशु भाई कह रहे हैं, कभी कभी वो हवा की मुखालफत भी करते हैं जी। और एक बात तो है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत शिकायत पार्टी में मालूम होती है, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है। चिट्ठा खोल दिया, मेरा ख्याल ये है कि शिवानंद तिवारी से ज्यादा अहम तकरीर है आज की जो नीतीश कुमार जी ने की है जी। नीतीश कुमार जी ने कम से कम एक बात तो साबित कर दी, 8 या 9 पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए जी, जिससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण के बारे में कोई तैयारी नहीं करते, या उनके लिखने वाले बहुत ही कमजोर हैं जी। उनको ना हिस्ट्री का ज्ञान है, ना उनको करंट अफेयर्स का कोई ज्ञान है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को तो है ही नहीं, मेरे ख्याल में वो तो राह चलते किसी आदमी से बात करते हैं और वो कुछ कह देता है, उसको अपनी तकरीर में शामिल कर लेते हैं। 8 या 9 पॉइंट्स पर नीतीश कुमार जी ने ये साबित किया है जी। मैं झूठ का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, शायद मुनासिब नहीं होगा जी, के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते हुए उन्होंने नहायत ही गलत बयानी की है, और हमने बहुत बार पहले भी इस तरफ निशानदेही कराई है कि नरेंद्र मोदी जी जो तकरीरें करते हैं उसमें देश को वो गुमराह करने का काम करते हैं, और बड़ी हद तक उनकी तकरीरों के अंदर गलत बयानी होती है, वो किसी भी किस्म के उल्टे सीधे आंकड़े दे देते हैं। अब तो पूरा देश ने सुधांशु जी, मैं जान रहा हूं आंकड़ों पर इत्मीनान करना ही बंद कर दिया है। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा, सबसे मुझे एक बार वर्जन ले लीजिए। सबसे मनोज जी, आज जो शिवानंद तिवारी का बयान है ये क्या चाहता है? देखिए, जो एक आपने जो चर्चा शिवानंद तिवारी के बयान को फोकस बना करके किया है, लेकिन ये सही है कि नीतीश कुमार ने जो नरेंद्र मोदी पर जो जवाबी हमला किया है वह भी आज की महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप शिवानंद तिवारी के बयान को यदि लेते हैं तो यह आभासित होता है कि जनता दल यूनाइटेड में दो धड़ा है। एक धड़ा वह
जो कि बीजेपी का तो समर्थक है लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और एक दूसरा धारा यह है कि जो नरेंद्र मोदी का समर्थक है परंतु बीजेपी के खिलाफ है। शिवानंद तिवारी को हमने जो है पानी पी पी कर भाजपा और आरएसएस को कोसते हुए देखा है। आज नरेंद्र मोदी के प्रति अगर उनमें इतनी ज्यादा प्रभावशीलता अगर उनमें दिख रही है तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक है। हो सकता है कि हवा का रुख भाप कर बोल रहे हो। आज उनकी सामाजिक न्याय या उनके जन सरोकार का जो आंकड़ा जो उनमें दिख रहा है वो पहले केवल उनमें सांप्रदायिकता दिखता था, नहीं पर बात लेकिन नहीं रुकती ना। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पलटवार किया है, हम ये नहीं कहते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी